सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है तो दो टाइप के लोग आते हैं। पहला, कुछ लोग पैसा भर के लाते हैं, पैसा मतलब उनके पास बहुत है, पैसा भर के लाते हैं, और दूसरे यहाँ पे आते हैं जिनके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो मार्केट जब ओपन होता है तो दो लोग आए, एक बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं, दूसरे आते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्या बोलते हैं लर्निंग लेके आते हैं। इवनिंग में क्या होता है कि जो लोग पैसा लेके आते हैं वो खाली हाथ जाते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो डेफिनेटली पैसा लेके जाते हैं। बट जो लोग, देखिए, जो एक्सपीरियंस वाला आया वो तो पैसा लेके गया, उसका तो फायदा हो गया, बट जो लोग पैसा लेके आए वो लोग तो बिना पैसे के गए। तो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स की, जो लोग ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, बिकॉज पैसा तो लाते हैं बट मार्केट क्लोज होने के बाद लॉस होता है। बट देखिए, यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप लॉस करते हैं तो भी आपको वहाँ पर लर्निंग लेनी चाहिए। तो अगर आप पैसा लेके आए हैं तो शाम को आप एक चीज़ लेके जा सकते हैं, पैसा तो आपने दिया, आप लर्निंग लेके जा सकते हैं, जो कि मैं आपको समझाता हूँ। आज के मार्केट में ऐसा ही हुआ है। देखिए, नॉर्मल होता क्या, बिकॉज बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, टेक्स्ट भी करते हैं कि सर मैंने सोचा था कि मार्केट जैसे ही 17,800 के लेवल को क्रॉस करेगा मैं बाइंग करूंगा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ना। अब मार्केट हो गया ओपन तो ठीक है, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट नहीं लेते हैं। अब जैसे नीचे आता है फिर उनको तो बाइंग करनी थी, अब जैसे ऊपर जाने लगा, अब ये लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी बाइंग करो नहीं छूट जाएगा ट्रेड। जैसे ही बाइंग किया, कॉल की पोजीशन बनाई, देखिए मार्केट वैसे ही नीचे आया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पुट भी बाइंग करना चालू करते हैं। जैसे ही आज का लो ब्रेक होता है, डेफिनेटली देखिए मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट दोनों साइड गया बट आपका लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे, लेवल बेस्ड एंड साथ में क्या बोलते हैं डेटा बेस्ड, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 12 सितंबर के लिए, मंडे के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, कहाँ पे आपको कॉल इनपुट की पोजिशन बनानी चाहिए। बट डेफिनेटली केवल लेवल्स के साथ काम नहीं चलेगा जब तक आप लर्निंग नहीं लेते हैं। तो देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट आपका ओपन हुआ, उसने एक हाई बनाया, अगर आप देखेंगे हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर 17,900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, आप साइड में यहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप जाके देखेंगे ऑप्शन चेन में तो देखिए 17,900 पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग हो रखी है। और देखिए अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे हैवी तरीके से कॉल राइटिंग हुई है, मतलब मार्केट उसको रेजिस्टेंस की तरीके से फेस करेगा। अब यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड क्या था, लॉजिकल ट्रेड यहाँ पे था आपको पेशेंस के साथ इस शूटिंग स्टार का वेट करना चाहिए था, इसके नीचे आप सेल करते या फिर पुट बाइंग करते, ये आपका छोटा सा स्विंग लो स्टॉप लॉस बना होता। और देखिए अगर आपको मैं कैलकुलेट कराऊं रिस्क टू रिवॉर्ड, है ना, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ। अगर आप आज के लोगों के पास भी रखते तब भी आपको 1:3.5, मतलब अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आपको 3,500 का फ़ायदा होता है, और अगर आप टारगेट कल के हाई के पास रखे होते तो लगभग आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:8 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। डेफिनेटली 1:8 तो अचीव नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़े मोटे प्रॉफिट आप ट्रेल करके डेफिनेटली बड़े टारगेट इस दिनों में अचीव करते हैं। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक ट्रेड दिया था बाई 40,300 पुट एट 310, 310 पे हमें बाइंग करनी थी, 295, और यहाँ पे मैंने सेल मॉडिफाई कराया, 290 पे हम लोग का स्टॉप लॉस था, केवल 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वो जो मैंने पुट दी थी वो 310 से पता है कितनी गई, अगर आप देखेंगे 310 से उसने हाई बनाया है, इसको साइड में करता हूँ, 412, लगभग 100 पॉइंट की रैली हम लोग को देखने को मिली है। तो 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला। फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ट्रेड और दिया था, मैंने चार्ट अपडेट किया था बैंक निफ्टी का। देखिए केवल लेवल से काम नहीं होता है, अगर आप चार्ट के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट अपडेट किया, डाउन साइड जाएगा, और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे डाउनसाइड किया, उस क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेक करके। तो फ्री चैनल है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट ओपन होने से पहले और लाइव मार्केट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब चलिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो आज का मार्केट क्या हुआ, पहले ओपन हुआ, एक हाई बनाया, फिर छोटा सा स्विंग लो बनाया, उसके बाद जैसे ही अपने हाई के पास गया यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी, बहुत लाजमी ट्रेड था यहाँ पे। अगर आप इसके नीचे भी करते ना, यहाँ पे पुल बैक पे भी ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, तो भी आपको बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। और ट्रेड कहाँ तक आया है अगर आप देखेंगे तो ट्रेड भी आया है आपका एग्जैक्ट कल के हाई के पास तक। अगर आप देखेंगे ना तो कल का हाई यहीं पे था और यहीं से मार्केट एक छोटा सा पुलबैक दिखाया है। और अभी का जो मार्केट है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़िया अपसाइड या डाउनसाइड की रैली दिखाए तो मार्केट ना एक बढ़िया अपसाइड या डाउनसाइड की रैली के लिए और अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मंडे को भी हम लोग को एक्साइटिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैं आपको निफ्टी का पहले बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप देखेंगे ना, ये जो सपोर्ट बना है, साथ में ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई था,
अगर इसका डाउनसाइड में ब्रेकडाउन दिखाता है, लेवल आप मान के चलिएगा 17,800 का एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके नीचे कम से कम 10-15 पॉइंट का एक नीचे लो बनाए, फिर ऊपर आके जैसे क्रॉस करेगा हम लोग तुरंत ट्रेड लेने वाले हैं। तो 17,790 के पास आप पुट बाइंग करेंगे, पहला टारगेट आपका होगा 17,720 और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं इस गैप के पास अराउंड 17,650 के पास। इसको मैं मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से क्लियर हो जाएगा, 17,720 एंड सेकेंड टारगेट हो गया आपका 17,650। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक छोटा सा स्विंग हाई अराउंड 17,840 के पास। ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल की रेंज बना रखी है ना, अपसाइड से अगर आप देखेंगे तो लगभग 17,860 और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 17,810 या फिर 800, ये जो रेंज है इसके बीच में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, इसको बोलेंगे हम लोग नो ट्रेडिंग जोन। बट अगर इस रेंज के ऊपर क्रॉस करता है अगर आपका निफ्टी, ठीक है, तो आप आराम से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं एट द लेवल ऑफ 17,870 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बनाएंगे। केवल आपका एक ही टारगेट होने वाला है 17,920 के पास, जो कि आज का हाई बना हुआ है और जो कि बहुत बढ़िया डेफिनेटली आपका टारगेट निकल के आता है। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक छोटा सा स्विंग लो अराउंड 17,830 के पास। तो फ्रेंड्स देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अकाउंट ओपन कराते हैं किसी भी ब्रोकर में, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन या फिर एलाइस ब्लू, तो आपको क्या होगा ना कि हमारे गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी की पुट दी थी, साथ में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे स्क्रीनर देता हूँ। स्क्रीनर का मतलब क्या है, अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेड देता हूँ, इमेज प्रोवाइड रहती है, साथ में लेवल्स भी रहते हैं जिसको कि आप बहुत आसानी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक्सिस बैंक को दिया था, बढ़िया प्रॉफिट हुआ। इंडसइंड बैंक को भी सेल करने को दिया जिसमें मुझे लगता है स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है। मैंने इन्फी दिया, उसमें भी बहुत बढ़िया टारगेट हुआ। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा सकते हैं। और देखिए, मैं इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं मांग रहा, बस आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है और आप लाइफ टाइम की एक्सेस हम लोग के ग्रुप में ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने तो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर अपसाइड की रैली दिखाई, बट निफ्टी जब सस्टेन नहीं कर पाया और सभी बैंक्स क्या बोलते हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBIN सभी जैसे ही गिरना चालू हुए, स्पेशली HDFC बैंक, तो इसमें तो ऑब्वियस है कि जानते ही हैं कि HDFC बैंक इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, और बढ़िया डाउन साइड की लगातार रैली देखने को मिली है। अब देखिए क्या है ना, लॉजिक क्या आता है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों को लगभग 1300 की स्ट्रेट रैली देखने को मिली थी, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे लेते हैं ना, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यह स्ट्रैटी वैसे मैंने यूट्यूब पर डाल भी रखी है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। शूटिंग स्टार बनी, थोड़ा सा ऊपर आया, आपने यहाँ पुट बाइंग करनी थी, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाते, देखिए कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली। डेफिनेटली मैं ट्रेड जब मिलते हैं परफेक्ट वाले तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, और जो मैंने किया उसमें बढ़िया रैली देखने को मिली, सो मैंने उसको इसी स्ट्रैटजी पे दिया था। अब देखिए निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तो एक साइडवेज मूवमेंट दिखाया है मोर ऑफ अ सेकेंड हाफ में। अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रेक्टेंगल रेंज बनी है ना, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ह्यूज मूवमेंट, आपको ह्यूज रैली देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 40,500 के पास बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि 40,500 के लेवल को टच कर चुका है, तो एक बार टच कर देता है तो ब्रेक होने की चांस भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपसाइड में क्रॉस करता है इस रेंज को 40,500 के, ठीक है, अगर 40,500 के रेंज को क्रॉस करेगा, आपने तुरंत कॉल की पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट आपका रहेगा 40,625 और सेकंड टारगेट आप रखेंगे थोड़ा सा ऊपर 40,800 के पास। ऑब्वियसली बड़ा टारगेट है बट अचीवेबल है ना। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है एक छोटा सा स्विंग लो अराउंड 14,370 के पास। देखिए जो लेवल बताता हूँ वो कुछ लॉजिक के साथ बताए जाते हैं, अगर उसके नीचे जाएगा तो मान के चलिए आपका ट्रेड फेल हो गया, और अगर ट्रेड बना तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट दिखाएगा, है ना। अगर डाउन साइड में बैंक निफ्टी आपका क्रॉस करता है इस रेक्टेंगुलर रेंज को, तो आपने पुट की पोजीशन बनानी है, और पुट की पोजीशन आप बना सकते हैं अराउंड 40,300 के नीचे। देखिए 300 का मतलब क्या होता है, 300 का मतलब होता है 285। एक बार लो बना दीजिए जैसे ऊपर है, फिर जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, बिकॉज कभी कभी क्या करता है ना, वो फंसा देता है, नीचे आएगा लोग पुट बाइंग करेंगे फिर ऊपर चला जाएगा, फाइन। सो 10-15 पॉइंट का बफर रखिए, और पहला टारगेट आपका रहेगा 40,170 के पास, और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं 40,070 का, मतलब 100 पॉइंट और नीचे 40,080 आप रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका होगा 40,400 का।
सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 500 लाइक्स, तो लाइक आप कर दीजिएगा, मुझे पता है आप कर देंगे। साथ में कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते, मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होती है, तो अगर आप करेंगे तो हमें भी खुशी होती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अकाउंट आप जरूर ओपन करा सकते हैं जिससे कि आपको हमारे साइड से और भी बढ़िया बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ और आप बढ़िया तरीके से स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग से पैसे बना पाएँ। हैप्पी वीकेंड्स अहेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।